तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर वी मस्ट ऑफिशियल में। तो फ्रेंड्स, आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं कि इस वीडियो में आपको हम बताएंगे नोकिया की राउटर अथवा सीवीसुलिंक आप यूज करते हो तो आपके लिए ये वीडियो कुछ खास होने वाला है कि क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारा आपको जानकारी मिलेगा, बहुत बहुत सारा चीज़ आपको सीखने को मिलेगा कि इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कैसे आप डायरेक्ट घर बैठे हुए आप सीवीसी को कस्टमर लॉगिन करके आप अपना सीवीसी का सारा इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। जैसे कि आपको रिचार्ज करना है और कितना एमबीपीएस का कितना पैसा लगता है, वो भी चीज़ आप यहाँ पर से देख सकते हो। तो वो बड़ा वीडियो हम अगले वीडियो में बनाएंगे और ये वीडियो में आपको हम बता देते हैं कि ऐसे सीवीसी की सारा इन्फॉर्मेशन अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आप दूसरे को यूजर आईडी आप यूज नहीं कर सकते हो फ्रेंड्स, आप दूसरे को आईडी आप यूज करते हो वो वाला लीगल काम है, लीगल काम नहीं करना है। तो लीगल काम नहीं करना है तो इसका भी एक जरिया है, वो जरिया है कि हम अगले वीडियो में बताएंगे कि इसका डिफॉल्ट पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 होता है। आप अपना यूजर नेम जो रिचार्ज करते हो उससे लॉगिन करने के बाद नीचे जो पासवर्ड मांगता है उसमें आपको डिफॉल्ट पासवर्ड रखना होता है 1 2 3 4 5 6, तो उसको आपको चेंज करना होता है। तो आप चेंज कर लीजिएगा और उसका भी तरीका हम अगले वीडियो में बनाएंगे। फ्रेंड्स, सीवीसी लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, सीवीसी लॉगिन करने के लिए कैसे आपको यूजर नेम रखना है और कैसे आपको पासवर्ड रखना है वो भी इस वीडियो में बताएंगे। और लॉगिन करने के बाद आप वहाँ से क्या क्या देख सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो अपना पूरा इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप किसके नाम पर ये राउटर रजिस्टर्ड है और क्या फ़ोन नंबर रखा हुआ है, क्या यूजर नेम है, क्या ईमेल है, क्या एड्रेस है, सारा चीज़ आप देख सकते हो। और इसमें आप देख सकते हो कि हम कितने तारीख को रिचार्ज किए और कितने तारीख का हमारा राउटर एक्टिव हुआ है और कितने तारीख का हमारा एक्सपायर होने वाला है। और यहाँ से आप देख सकते हो कि कितने एमबीपीएस का रिचार्ज हुआ है। और आप जब रिचार्ज करते हो तो हम रिचार्ज तो कर लेते 10 एमबीपीएस को, लेकिन हमको कंपनी कितना एमबीपीएस रिचार्ज देता है, कितना एमबीपीएस पर्पज देता है, कितना एमबीपीएस हमको यूज करने के लिए देता है। तो फ्रेंड्स, एक और बात हम बता देते हैं इसमें कि आप 10 एमबीपीएस को रिचार्ज करते हो तो आपको कंपनी देता है वहाँ पर 15 एमबीपीएस, लेकिन आपको उस चीज़ पता नहीं था। तो इस वीडियो में भी दिखाएंगे कि हम 10 एमबीपीएस को रिचार्ज किए थे लेकिन 15 एमबीपीएस हमको कंपनी यूज़ करने के लिए दिए हैं। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमारे चैनल आर वी मस्ट ऑफिशियल को आपको सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकॉन को दबाना है, कोई वीडियो मिस पे अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो हम बहुत खास वीडियो इस चैनल पर लेकर आते हैं। और फ्रेंड्स, आपको हमसे कोई भी आपको जानकारी चाहिए थोड़ा तो हमें आप व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर से आप भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें कॉन्टैक्ट नंबर हम छोड़ दिए, आप जाकर वहाँ से भी कॉन्टैक्ट नंबर आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, एक ब्राउजर को सिलेक्ट करना है, जैसे कि हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं गूगल क्रोम को और उसके बाद ओपन करना है। और ओपन कर देने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है, लिखना है सीवीसी सीवीसी और स्पेस लॉगिन, उसके बाद इंटर इसको सर्च करना है, इंटर करना है। और इंटर करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे डिस्प्ले पे सीवीसी नेट एनपी और नीचे आप देख सकते हैं सीवीसी लीडिंग आईपीएस इन नेपाल फाइबर इंटरनेट विथ क्लियर टीवी, इसको ओपन करना है। और ओपन करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं इस साइड में आप जाकर देख सकते हो कस्टमर लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कोई भी आपको इसमें से रीजन को सिलेक्ट करना है, जैसे कि सिलेक्ट करना है यहाँ पर आप देख सकते हो इनसाइड वैल्यू आउटसाइड वैल्यू, तो आप दोनों से कर सकते हो। तो हम आपको यहाँ से दिखाते हैं आउटसाइड वैल्यू करके दिखाते हैं, इसको आउटसाइड वैल्यू को हम ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद कुछ टाइम आपको वेट करना है और वेट करने के बाद आप देख सकते हो सीवीसी का यहाँ पर आपको राउटर का यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, तो आपको
यूजर नेम तो मालूम है पर पासपोर्ट नहीं मालूम है, पासपोर्ट भी हम बताएंगे किस तरीका से आपको चेक करना है। आप फॉरगेट करके भी आप चेक कर सकते हो पासपोर्ट को। तो फ्रेंड्स हम सिंपली अपना राउटर का यूज़र नेम यहाँ पर रखेंगे अपने राउटर का RB-2P2FTTH। और उसके बाद आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ से फॉरगेट कर सकते हो, और फॉरगेट करने के बाद आप अपने मोबाइल के अंदर में देख सकते हो, मोबाइल में आपको मैसेज आएगा जिस नंबर से आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर किए हो वही मोबाइल के अंदर पासपोर्ट जाएगा। तो उसका पासपोर्ट डिफॉल्ट पासपोर्ट होता है 1 2 3 4 5 6, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर पासपोर्ट लिख सकते हो। हम फॉरगेट कर दिया आपके मोबाइल में मैसेज चला जाएगा, मैसेज जाने के बाद आपको पासपोर्ट उसमें से रखना है। तो डिफॉल्ट पासपोर्ट होता है इसका 1 2 3 4 5 6। आपको हम इसको शो करके हम दिखा देते हैं पासवर्ड, आप शो करके यहाँ से देख सकते हो। और उसके बाद आपको पासवर्ड रखने के बाद आपको लॉगिन करना है। अब जैसे लॉगिन कीजिएगा तो आपका सारा डाटा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो आपका डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड भी देख सकते हो, आपको आपका रिचार्ज कितना Mbps हुआ है, आप उसका वैल्यू भी चेक कर सकते हो, आप कितने तारीख को रिचार्ज किए हो, आप कितने तारीख को एक्सपायर होने वाला है, और अपना सारा मोबाइल नंबर, यूज़र नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, अकाउंट नंबर, एक्सपायर डेट, सभी चीज़ आप यहां से देख सकते हो। और उसके बाद आपको हम दिखा देते कि इसमें कितना Mbps रिचार्ज हुआ है। तो आपको डायरेक्ट होम में, अब इसके बाद आपको प्लान में जाना है, और प्लान में जाने के बाद आप यहाँ पर प्लान टाइप में देख सकते हो आपका प्लान नेम हो गया CBC OFTTH इंटरनेट 15 Mbps अनलिमिटेड 1 मंथ। हम परपोज डेट किए थे 29 अप्रैल को किए थे, 29 अप्रैल को रिचार्ज किए थे और एक्टिव हुआ 29 अप्रैल को, और एक्सपायर डेट हमारा 28 मई 2020 को दिखा रहा है। वैलिडिटी कितना मंथ को रिचार्ज आप किए हो वो यहाँ से आप देख सकते हो 1 मंथ, और प्लान टाइप में देख सकते हो अनलिमिटेड, यूज वैल्यूड इतना आप यूज वैल्यूड भी देख सकते हो, रिमाइंडिंग वैल्यू अनलिमिटेड में आप देख सकते हो। और उसके बाद और आप सभी को एक बात हम बता देते हैं, आप कितने Mbps रिचार्ज किए हो और कितने Mbps कंपनी आपको देते हैं। तो फ्रेंड्स हम इसे इसमें हम रिचार्ज किए थे 10 Mbps का, तो आप यहां पर देख सकते हो CBC OFTTH इंटरनेट Mbps आप अनलिमिटेड को देख सकते हो, 15 Mbps का परपज देता है यहाँ पर चलाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके आप बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।